साल की एक परंपरा है यहाँ पर कबाड़ खुलने की और कबाड़ बंद होने की जो परंपराएं हैं कि कबाड़ बंद होने से 5 दिन पूर्व पंच पूजाओं का और क्रम निश्चित किया गया है। जैसे कि आज 16 तारीख है और 20 को भगवान के कबाड़ बंद होंगे, तो 16 तारीख सर्वप्रथम भगवान गणपति जी का प्रातःकाल भगवान बद्रेश्वर के साथ साथ ही उनका अभिषेक किया गया, पूजन किया गया, अलग से उनका स्थान है वहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं। दूसरे दिन यानी कल दोपहर में भोग के उपरांत आदि ये आदि केदारेश्वर भगवान के कबाड़ बंद होंगे, परसों खड्ग पुस्तक बंद होंगी और चौथे दिन महालक्ष्मी का आह्वान किया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है कि माँ अब 6 माह के लिए आप भगवान के साथ गर्भ लेने आएंगी और 5वें दिन फूल श्रृंगार के ऊपर प्रातःकाल भगवान का पहले अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद परसों भगवान पर किसी प्रकार के भी किसी कोई आभूषण नहीं होंगे, सोने चांदी के हीरे मोती कोई भी आभूषण नहीं होगा, पुष्प श्रृंगार भगवान का होगा और दिव्य पुष्प श्रृंगारों के दिन पर श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन करेंगे और सायंकाल जो कि निश्चित तिथि कर दी गई है भगवान बद्री विशाल जी के कपाट विधिवत 6 माह शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे और श्रद्धालु पुनः अगले वर्ष की प्रतीक्षा में रहेंगे और शीतकाल के लिए भगवान के कपाट विधिवत बंद कर दिए जाएंगे।